चैनल दे इस खास लाइव प्रोग्राम ते तुहाडा सब दा स्वागत है। अज दा दिन बहुत ही सियासत दे लिहाज नाल सरगरमाया होया है। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंज सूबियां दीआं चोणां दा ऐलान कर दिता है। इस कड़ी दे विच 14 फरवरी नूं पंजाब समेत तीन सूबियां दे विच इक नाल ही चोण होणे ने। 10 मार्च नूं यानी कि 26 दिनां बाद चोण नतीजे आ जाणगे। इस पंजाब इलैक्शन दे मद्देनज़र साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी। जम्मू जी थोड़ा स्वागत है। शुक्रिया जी। साडे दर्शकों नूं थोड़ा जिहा चानना पा दिओ कि इलैक्शन का की शेड्यूल रहेगा पंजाब दे अंदर ते इसदे की मायने ने, क्योंकि इलैक्शन जिहड़ा ओह जिस तरीके का शेड्यूल आया है, क्योंकि बहुत घट समा जिहड़ा है ओह पोलीटिकल पार्टीज़ ते उम्मीदवारां नूं मिलना है, थोड़ा जिहा इस बारे जानकारी। देखो जदों भी चोणां होंदियां ने गाजिया माजिया नाल चोणां होंदियां तां विआह वर्गा इक माहौल जिहड़ा चोणां दा हुंदा जी। इस वारी क्योंकि करोना काल है, कोविड की स्थिति है, तो 15 जनवरी तक जिहड़ा चोणां दा कोई माहौल नहीं बनेगा जी। चोण इलैक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, उस तो पहला उम्मीदवार ना रैलियां कर सकणगे, ना नुक्कड़ मीटिंगां कर सकणगे, ना कोई होर कट कर सकणगे। उम्मीदवार केवल 4 बंदियां नूं नाल लैके ही अपना चोर प्रचार जिहड़ा कर सकणगे। इस करके चोणां दे विच जिहड़ी पहलियां हुण तक असीं जिन्नियां चोणां देखियां उह जिहा माहौल ही नहीं बनेगा। 15 जनवरी नूं चोण कमीशन दोबारा सारी स्थिति का रिव्यू करेगा। जे करोना वधदा गया, करोना की महामारी ना रुकी, तो फिर माहौल साजगार नहीं बनेगा। इस स्थिति दे विच चोणां होण जा रही है, मतलब इह बिना बैंड वाजे तो बिना गाजे वाजे तो चोणां होणगियां। इस करके जिहड़े उम्मीदवार जिन्हां ने रैलियां राहीं, जिन्हां ने चोण जलसिआं राहीं, जिन्हां ने नुक्कड़ मीटिंगां राहीं अपना प्रचार करना सी, उह अपना प्रचार किवें करनगे, इक वड्डा सवाल इहनां चोणां दे विच होएगा। ते पंजाब दे समेत गोवा मणिपुर दे विच जिहड़ियां तिन्नां सूबिआं दीआं जिहड़ियां कट्ठियां वोटां पैणगीआं 14 फरवरी नूं इहनां दीआं। मणिपुर वखरा इहदे विच मेरे ख्याल उत्तराखंड तिन्न सूबिआं दीआं, उत्तराखंड गोवा ते पंजाब, हाँ इहनां दीआं 14 फरवरी नूं वोटां दूजे चरण दे विच, हाँ जी इहदों चोणां जिहड़ियां इहनां दीआं वोटां पैणगीआं जी। सो इह देखणा होगा कि 15 जनवरी नूं चोण कमीशन जिहड़ा उह किस किस्म दी आग्या दिंदा। चोण कमीशन ने जिहड़ा इस वारी जिहड़ी वक्री किस्म की स्थिति होएगी, डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होएगी जी। बिल्कुल, ये क्योंकि डाइजेस्टर एक्ट तहत कार्रवाई होनी है तो सख्त कार्रवाई होएगी जी। इस करके किसी उम्मीदवार की जिहड़ी उम्मीदवारी भी कैंसल की जा सकती है, इस पासे वालों जाएगा जी। इस सख्ती के दौर के किस किस्म की जमहूरीत वधे फुलेगी ये सानू सारिआं नूं पता लग जाएगा जी। पर चोणां हो रही, जिहड़ा चोणां दा प्रोसैस सी जिन्हां इस गल नूं लै के बड़े कई तरह के खदशे जाहिर किए सी, जा रहे थे भी चोणां मुलतवी होणगियां, चोणां अगे हो जाणगियां जी। वह गल अज जिहड़ा चोण कमीशन वालों ऐलान नाल खत्म हो गई है, जिहड़ी क्यासाराइयां दा दौर खत्म हो गया जी। बिल्कुल, ये अंदाजे लाए जा रहे थे। दर्शकों नूं दस दईए 21 फरवरी नूं नोटिफिकेशन जारी, 21 जनवरी नूं सॉरी नोटिफिकेशन जारी होएगा। 28 जनवरी जिहड़ी है वह लास्ट डेट है नोमीनेशन की, कोई भी उम्मीदवार 28 तारीख तक अपने नोमीनेशन फाइल कर सकता है। 29 जनवरी नूं स्कूटनी होएगी ते 14 फरवरी नूं जिहड़ा है पोलिंग होनी है। 31 जनवरी नूं विदड्रॉल दी डेट रखी गई है ते 10 मार्च नूं चोण नतीजे आणगे। अगर इलैक्शन दे शेड्यूल नूं देखिए तां 31 जनवरी नूं विदड्रॉल है ते 14 फरवरी नूं पोलिंग होनी है। इस दा मतलब कि उम्मीदवारां नूं लगभग एक पखवाड़े दा समां जिहड़ा है प्रचार लई मिलेगा, जो बहुत घट आख्या जा रहा है। इस दे नाल ही बहुत सारियां गाइडलाइनस ने, कोविड गाइडलाइनस 2022 जारी रहेगी, जिस दे दौरान ना तां कोई रैली कर सकेगा, ना कोई बाइक शो, ना ही कोई नुक्कड़ सभा की जा सकेगी। हालांकि 15 जनवरी तो बाद इलैक्शन कमीशन फिर रिव्यू करेगा। हालांकि इलैक्शन कमीशन ने यह भी सख्त आदेश दिते ने कि करोना की फस्ट ते सैकेंड डोज लवानी जरूरी है। इस कड़ी दे विच पंजाब दे विच 82% लोगों नूं हजे तक करोना की फस्ट डोज, जबकि 46% नूं सैकेंड डोज लगी है। तो जम्मू सर ये थोड़े तो जानना जरूरी लाजमी है हो जाता है कि पंजाब दे विच हमेशा ही एक मेले के रूप दे विच चुनाव जिहड़े है वो देखण नूं मिलते हैं। लोग जिहड़े है बड़े गाजे बाजे नाल तुसी जिवें जिक्र कर रहे सी चोण प्रचार दे विच हिस्सा लेंदे ने, ते इस वारी जिहड़ा लगभग एक पखवाड़े दा जिहड़ा चोण समा रहेगा प्रचार दा, उन्होंने लैके खास करके पार्टीज जिहड़ियां नवीआं हुण फॉर्म होईआं ने,
चाहे वह राजेवाल जी की पार्टी है, ढींसा साहब की पार्टी है, तो नवा अलायंस होया बी एस पी ते अकाली दल का, कैप्टन भी हुण नवे प्लेटफॉर्म तो आ रहे हैं, इन वास्ते कितना मुश्किल होएगा प्रचार नूं इन्ने घट समय दे विच, एक क्योंकि लगभग हरेक जिहड़ा विधानसभा हलका है वह लगभग 2.25 लाख वोटों तो लैके 2.5-3 लाख वोट उन्होंने मतदाताओं तक किवें कनैक्ट होणगे उम्मीदवार। देखो इस तो पहला मैं दसना चाहना उत्तर प्रदेश दी चोणां सत पड़ा दे विच, मणिपुर एक छोटा जिहा सूबा उहदियां 3 पड़ा दे विच चोणां होणगीआं। ठीक है जी। पंजाब दीआं चोणां जिहड़ियां 2 होर सूबिआं दीआं इहनां दीआं 1 पड़ा दे विच 14 फरवरी नूं होणगीआं। हुण अगे जदों चोण प्रचार किवें होएगा ये सारा कुछ निर्भर करता चोण कमीशन के उपर, उन्होंने रिव्यू करना 15 जनवरी नूं। 15 जनवरी नूं जे तां करोना महामारी ना वधी फिर कुछ खुल दिती जाएगी, अदरवाइज चोण कमीशन ने कहा भी 15 जनवरी तक तुसी वर्चुअल डिजिटल मतलब वख-वख माध्यम राहीं तुसी प्रचार करो जी। सो मैनूं नहीं लगता ये जिहड़ियां सख्त गाइडलाइन आ ये 5 वाली पालना की जा सकेगी। जदों 5 बंदे मूव करनगे उम्मीदवार समेत जी, उन्हां नूं 4 बंदे रस्ते च मिलणगे, 10 बंदे ही मिलणगे, केसां दे 20 पॉसिबल नहीं, 20 बंदे मिल गए ओदा उन्हां नूं उन्हां नाल गल करनगे, उत्थे गाइडलाइन दी किवें ये पालना होएगी ये बहुत औखा हो जाएगा ये गाइडलाइन की पालना करना जी। इस करके एदा रिव्यू जिहड़ा ये करना पएगा क्योंकि ओदा 5 जणे जा रहे जे मिलने वाले जो उन्होंने 20 जने मिल जाए तो उत्थे तो उलंघना हो जाएगी, उलंघना होगी तो फिर ये उलंघना किवें इहदी पालना की जाएगी ये बारे चोण कमीशन सोचना पएगा, अपनी गाइडलाइन के बारे दोबारा तो यदा स्पष्टीकरण देना पएगा भी उम्मीदवार जा रहे। मान लो एक वड्डे परिवार से जाता वड्डे घर वाले मिल जाता वो परिवार 30 जने का फिर उत्थे गाइडलाइन की पालना किवें होगी जी। बिल्कुल ये ठीक है कोविड प्रोटोकॉल की गल कही गई उसकी पालना होनी चाहिए है, तुहानू मतलब मूँह दे मास्क लाना पेगा, सैनिटाइजर वरतना होर सारा कुछ वरतना पेगा, पर यह स्थिति किवें इहदी व्याख्या करनी पेगी जी। ये वड्डा सवाल है क्योंकि हुणे कुछ समा पहले 1-2 महीने पहले कुछ बाई इलैक्शन होए सी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उस दे अंदर भी ये प्रैक्टिकली पॉसीबल नज़र नहीं आई कोविड गाइडलाइनस, उत्थे भी नियम लागू सी तां इह लगदा नहीं कि ये प्रैक्टिकली लागू हो पाएगा। उहदे विच तां प्रधानमंत्री ने खुद पश्चिमी बंगाल दे विच ते अमित शाह ने कुछ ज्यादा वध रैलियां कीतियां, उन्हां च कोई कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं की गई, इन्हां च किवें पालना हो सकेगी एक वड्डा सवाल है जी। कहना वक्री गल है, लागू करना एक वक्री गल है। जदों तुसीं एक कहता भी 5 जने जाणगे, 5 जने की करनगे, वह किसी ना किसी नूं तां मिलणगे, वह कले कले एक मान लो पिंड च जांदे, एक पिंड च 500 घर ने 100 घर ने, जो उन्होंने मिल जाएंगे उन्होंने पिंड के लोग भी मिल जाएंगे जी, सरपंच भी आएगा उसकी पंचायत भी आ जाएगी, कोई होर लोग भी आ सकते, इस करके जी पालना जी काफ़ी औखी होगी। दूजा जोड़ा सवाल तुम पूछा से जोड़े नवे दल बने, संयुक्त अकाली दल बनया, संयुक्त समाज मोर्चा बनया जी, उन्होंने तो अजे अपना प्रचार किया ही नहीं गा, उन्होंने भी वही मुश्किल होएगी मुश्किल, तो जड़िया धिरा अजे अपने उम्मीदवार नहीं ऐलान सकिया उन्होंने भी मुश्किल होएगी। सो ये चोणां जिहड़ियां एक वक्री किस्म की प्रीख्या होएगी जी, मतलब जिन्हां ने प्रचार राही अपनी गल कहनी सीगी वह किवें कहणगे जी, ये एक वड्डी गल देखण वाली होएगी। मैनूं नहीं लगता ये जिस तरीके नाल चोण कमीशन ने किया उस तरीके नाल जिहड़ी गाइडलाइन की पालना होएगी, ये काफ़ी मुश्किल जापदा है, पालना जिहड़ी होनी चाहिए पर मुश्किल जापदा किवें पालना होएगी जी। जी दर्शकों एक बार फिर दस दिए कि 21 जनवरी जी नोमीनेशन की डेट है, 28 जनवरी लास्ट डेट है नोमीनेशन की, 31 जनवरी विदड्रॉल होएगा, 14 फरवरी पोलिंग होएगी, 10 मार्च नतीजे आ जाएंगे, यानी कि बहुत ही लिमिटिड डेज के अंदर जोड़ा है पंजाब का इलैक्शन हो जा रहा है, यूपी का इलैक्शन हो जा रहा है। लगभग जिमें जम्मू सर ने दसिया कि गाइडलाइन सख्त होने के कारण जिथे कई राजनीतिक दलों लई खास करके जिहड़े नवें दल अस्तित्व वजूद च आए ने उन्होंने एक चुनौती है, तो जम्मू सर ये जानना चाहवांगे थोड़े कोल कि ये लगभग 14 दिन का इलैक्शन है, हाँ जी, कुल मिला के देखिए तो फरवरी के जिहड़े 14 दिन ने, तो इस दे अंदर उम्मीदवार नूं किस तरीके की रणनीति अपनानी पएगी कि वह मान लो प्रत्येक मतदाता नाल कनैक्ट हो सकन, किस तरीके का उन्होंने चुनौतियों का सामना करना, जो छोटिया पार्टियां उन्होंने सब तो वड्डी चैलेंज होएगा जी। जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां ने उन्होंने तो कुछ ना कुछ प्रबंध हुण तक कर लिया,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੀਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ DGP ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਫ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰ ਖੁੜਕਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਐਤਕੀ ਕਠਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।